प्रदेश में भाजपा की कमान दोबारा धर्मलाल कौशिक जी को सौंपी गई है। आज हमारे साथ हैं धर्मलाल कौशिक जी, उनसे जानते हैं कि आगे किस तरह की उनकी योजना होगी और क्या चुनौतियां हैं, ये बताइए धर्मलाल कौशिक जी, आप आगे किस तरह की चुनौतियां दोबारा आपकी कमान होगी। देखिए, किसी भी दल में आप काम करेंगे, किसी भी संस्था में काम करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो सामने परिस्थितियाँ रहती है, या चुनौती भी कह सकते हैं, या काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मैंने जो बात कही है कि आने वाले समय में हम संगठन को इतना मजबूत कर सकें, हम इतना सुदृढ़ कर सकें, जिसके लिए हमें दायित्व दिया गया है कि जो सारे चुनौतियां हैं उनको हम सामना कर सकें। और चुनौतियों का मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने कोई चुनौती है, क्योंकि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, भगवान की कृपा है, जनता जनार्दन की कृपा है, और सरकार हमारी अच्छी चल रही है। और अच्छी सरकार चल रही मतलब केवल कहने के लिए नहीं है, इस 12 साल में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, मैं समझ सकता हूं कि 50 साल में कांग्रेस ने कभी नहीं की, केवल कहने के बाद कांग्रेस वालों ने किया है, यदि काम करके दिखाई है तो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कोई चुनौती की बात नहीं है। ये अभी जो अगला जो चुनाव होगा 2018 में, वो आपके नेतृत्व में होगा, तो उसके लिए किस तरह की तैयारियाँ होंगी आगे बीजेपी? सतत निरंतर काम करने की प्रक्रिया है, और एक दिन में उसको तय नहीं कर सकते, आने वाले समय में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। इस 3 साल में हम जो आने वाले रणनीति बनाएंगे और उसके तहत धीरे धीरे कार्य योजना बना करके काम करेंगे। अभी जो बीजेपी केंद्र में आई और प्रदेश में भी आप सत्ता में, क्या ऐसा लग रहा है क्या कि आपका जनाधार घट रहा है, क्योंकि नगरीय निकाय में आपका बेहतर प्रदर्शन है? यदि जनाधार घटने की बात आप करेंगे, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि के टोटल इस 11 एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए, तो जनाधार घटने का कोई सवाल नहीं है। ये अलग बात है कि कहीं हम अध्यक्ष में आगे पीछे रहे हैं, लेकिन सारे जनप्रतिनिधि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए हैं, इसलिए जनाधार घटने की बात नहीं है। ये पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या रणनीति होगी आपकी, और खास करके जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरने के लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, पार्टी को या संस्था को चलाना है तो उसके लिए चाहिए सक्रियता, उसके लिए चाहिए दौरा, और उसके लिए चाहिए कार्य योजना। ये सारे नेता, कार्यक्रम और कार्यकर्ता, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास में मजबूत स्थिति में है, इसलिए कहीं कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सत्ता और संगठन में जो मुख्य कड़ी होती है वो संगठन होती है, उसमें तालमेल बिठाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको किस तरह से निभाएंगे और क्या उसके लिए कोई स्ट्रेटजी है आपके पास? देखिए, सरकार का काम है जनता के हित में कार्य योजना बना करके काम करना, संगठन का काम है कि पार्टी को मजबूत करना, लेकिन उसके बाद भी सरकार रहने के बाद में जनता और सरकार के बीच में हमारे कार्यकर्ता कड़ी बने, सेतु बने, और उन योजनाओं को गांव-गांव तक ले जाएं और अच्छे से अच्छा उसका क्रियान्वयन हो सके, जिससे हम समझते हैं कि अपनी भूमिका में हम खरा उतर पाएंगे। चौथी बार सरकार बनाने के लिए क्या कहा? चौथी बार सरकार बनाने की जहां तक बात है, तो ये मान के चलिए पूरे विश्वास के साथ में कि जब तीसरी बार सरकार बनी है, चौथी बार भी सरकार बनेगी, और चौथी बार सरकार बनाने के लिए इतने सारे हम कार्य योजना बनाए हैं। मैंने कहा कि 50 साल तक कांग्रेसी जो करके नहीं दिखाए हैं, उतना हम करके दिखाएं, और अभी जनता के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी, जिनका कहना है कि संगठन को मजबूती देने के लिए उन्होंने कार्य योजना बनाई है, और जिसके चलते दोबारा चौथी बार भाजपा प्रदेश की सत्ता में काबिज होगी। कैमरामैन जिया खान के साथ वीरेंद्र गहवई, सिटी न्यूज़, बिलासपुर।